वो हर्षदीप सिंह जिसके सिलेक्शन पर बहुत लोग सवाल उठा रहे थे। लोग कह रहे थे कि जी सिराज और बुमराह तो समझ में आते हैं, लेकिन हर्षदीप इतना रन खाने के बाद आईपीएल के बाद सीधा वर्ल्ड कप में कैसे सिलेक्ट हो सकते हैं। हर्षदीप ने पहले मैच से ही बता दिया कि जी सिलेक्ट हम ऐसे हो सकते हैं, और आज जब बेस्ट फिगर ला करके सामने रख दिया तब सबने कहा कि यार देखो हर्षदीप की बॉल में कुछ तो हरकत बहुत ज्यादा हो रही है, और न्यूयॉर्क के पिच पर अर्शदीप जितना असरदार दिख रहे हैं उतना कोई नहीं दिख रहा है। और हाँ जी कामरान अकमल साहब, मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये वीडियो देख रहे होंगे, और जो आपने बात कही थी अब आप उसको सोचने में भी घबराएंगे, क्योंकि अगर दूसरे कॉन्टेक्स्ट में लेकर जाएंगे तो अर्शदीप सिंह ने जिस तरह से गेंदबाजी करी है पाकिस्तान के सामने, जिस तरह से गेंदबाजी करी है आयरलैंड के सामने, और आज जिस तरह से यूएसए के सामने गेंदबाजी करी है, आप बात ने फालतू की तो छोड़िए, इस बॉलर को देख करके अब डर लगने लगेगा। हर्षदीप सिंह फिलहाल फर्स्ट इंडियन बॉलर हो गए हैं जिन्होंने पहली बॉल पर, मैच की पहली बॉल पर विकेट लिया है T20 वर्ल्ड कप में, और उनका बेस्ट बॉलिंग फिगर है 4 विकेट लेकर के 9 रन। अब आप सोचो 4 ओवर में एक बंदा सिर्फ 9 रन कंसीड करता है, 4 विकेट लेकर के जाता है और 24 में से 17 डॉट बॉल डालता है। मतलब यर्षदीप वो है जिनको लेकर के कोई भी सीरियस नहीं था, यर्षदीप वो है जिनके बारे में कुछ खास बात नहीं हो रही थी, लेकिन हर्षदीप ने कहा कि कोई बात नहीं, मुझे बात करवानी भी नहीं है, मेरी परफॉर्मेंस आनी शुरू होगी और आप खुद बात करने लग जाएंगे। जो कुछ लोग मजाक उड़ा रहे थे वो खुद चुप हो जाएंगे। हर्षदीप सिंह को हमने काफी बार मौज मस्ती करते हुए देखा है, सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हुए देखा है, लेकिन जब वो गेंद लेकर के आते हैं तब लोग उनको लेकर के उतना सीरियस नहीं होते हैं। लेकिन ये हर्षदीप सिंह वो है जो पाकिस्तानियों को, तो मतलब मुझे लगता है कुछ अलग सा उनका एक दिमाग चलने लगता है, अच्छा पाकिस्तानी ओरिजिन है, चलो बॉलिंग करो। पहली बार बाबर आजम के सामने आए गोल्डन डक T20 वर्ल्ड कप 2024, फिर इस बार 2022, इस बार 2024 में शान जहांगीर जिन्होंने बड़ी सी स्टेटमेंट दी थी मैच के पहले कि जी विराट कोहली को मैं, मतलब विराट कोहली के सामने मैं खेल, हालांकि तारीफ भी की थी कि विराट कोहली दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है, लेकिन उसके बाद कहा था कि विराट कोहली के सामने मैं एक बार आना चाहता हूं, मैं उनके अगेंस्ट खेलना चाहता हूं, उन्हें दिखाना चाहता हूं कि किंग कौन है या किंग कैसा होता है। खैर उन्होंने फिर बाद में कहा था कि मैं किंग नहीं हूं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि मैं भी यहां पर अपने आप को प्रूव करने के लिए आया हूं। तो वो गोल्डन डक पर अर्शदीप की बॉल पर आउट हो गए। अर्शदीप सिंह इस T20 वर्ल्ड कप में कुछ जबरदस्त कमाल कर रहे हैं, कुछ ऐसा ही कमाल जैसा 2022 में दिखा था। आयरलैंड के खिलाफ 4 ओवर 35 रन 2 विकेट, हाँ थोड़े रन जरूर कंसीड कर दिए थे, लेकिन पाकिस्तान का मैच होता है रन और नीचे आते हैं, 4 ओवर 31 रन 1 विकेट, और जब यूएसए आता है तो रन और नीचे और विकेट ऊपर चली जाती है, 4 ओवर 9 रन और 4 विकेट, मतलब एक फिनोमिनल बॉलिंग परफॉर्मेंस, और जॉइंट लीडिंग विकेट टेकर भी हो गए हैं। और अगर आप देखेंगे किसी भी इंडियन की तरफ से T20 वर्ल्ड कप में तो अर्शदीप अब सबसे ऊपर है, अर्शदीप की परफॉर्मेंस अब सबसे ऊपर है, नंबर 1 पर आ गए हैं वो, उनकी इकोनॉमी और उनकी विकेट्स दोनों ने, जितने भी और लोग थे जिनके थोड़े नाम अच्छे हैं बड़े हैं वो अब लिस्ट में जरूर नीचे आ गए, जैसे हरभजन सिंह, आर अश्विन, ये बड़े बड़े नाम है, लेकिन अब फिलहाल ये सारे जो है नीचे रेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि अर्शदीप के पास 4 विकेट लेकर के 9 रन, ये बेस्ट बॉलिंग फिगर है किसी भी इंडियन के द्वारा T20 वर्ल्ड कप। इसके बाद दूसरा नाम आता है आर अश्विन का, 4 विकेट उन्होंने भी ली थी, लेकिन 11 रन कंसीड किए थे 2014 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। हरभजन सिंह इंग्लैंड के खिलाफ 2012 में 4 विकेट लेकर के 12 रन। आरपी सिंह साउथ अफ्रीका के खिलाफ 4 विकेट लेकर के 13 रन 2007 में, जिस टाइम पर वर्ल्ड कप शुरू हुआ था। T20 वर्ल्ड कप में अर्शदीप काफी बार इस तरह काम करते रहते हैं, और आप उनके अगर रैंडम उठा करके भी देखेंगे तो आपको 4 ओवर में कहीं 25 रन 2 विकेट दिखेगा, 4 ओवर में कहीं 35 रन 2 विकेट, 4 ओवर में 31 रन 2 विकेट, 4 ओवर में 25, मतलब इस तरह के रन आपको बहुत सारे इस तरह का स्टार्ट दिख जाएगा, 2 ओवर में 9 रन 1 विकेट। तो अर्शदीप लगातार इस तरह की गेंदबाजी कर रहे हैं इंडिया के लिए T20 वर्ल्ड कप में, और शायद इसी वजह से रोहित को और अजीत अगरकर को बहुत भरोसा भी था कि नहीं यार इसको लेकर आते हैं, क्योंकि आप जहां पर आईपीएल खेलते हो उस पिच का डिफरेंस और जहां फिलहाल मैचेस चल रहे हैं उस पिच का डिफरेंस आसमान जमीन का है, यहां पर पेसर्स को हेल्प मिलनी है, ये बात पहले ही हो गई थी लेकिन इतनी मिलेगी ये किसी को नहीं पता था। तो खैर अर्शदीप ने प्रूव कर दिया है कि उनका इंक्लूजन जो है वो कितना दुरुस्त हुआ है, कितना सही हुआ है। खैर देखते हैं कि जब यहां से टीम वेस्ट इंडीज मूव करेगी, जब सुपर 8 के मैचेस वेस्ट इंडीज में खेलेगी, तो क्या अर्शदीप, क्या ये सरदार उतना ही असरदार रहता है वहां, यानी खैर आपको क्या लगता है कि अर्शदीप बेस्ट पिक रहेंगे वहां कर वहां के लिए भी, या हो सकता है वहां इंडिया 2 पेसर और 3 स्पिनर्स के साथ जाए, लेकिन ऐसी परफॉर्मेंस के बाद अर्शदीप हटेंगे इस बात की श्योरिटी नहीं है, लेकिन जैसा परफॉर्मेंस देख रहे हैं 3 पेसर तो आपके साथ रहेंगे ही रहेंगे, बट अब अर्शदीप की परफॉर्मेंस देखने लायक होगी कि आगे आने वाले मैचेस में जब हम वेस्ट इंडीज मूव कर जाएंगे वहां पर किस तरह की परफॉर्मेंस आती है। अगर आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, वीडियो अगर पसंद आई हो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।